अमीर लोग ऐसे समय बिताते हैं। ये गरीब कपल बस उसके सपने देख सकता है। ये बहुत दर्दनाक जीवन है। थॉमस और केविन बचपन के दोस्त हैं। उनके रहन सहन में अंतर होने के बावजूद भी वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। थॉमस के पास खर्चे के लिए बहुत पैसा है और केविन बिल्कुल भी अमीर नहीं है, पर वो दोनों खूबसूरत लड़कियों में इंटरेस्टेड हैं। वाह, वो बहुत प्यारी है, प्रिंसेसेस की तरह। चलो चलकर उनसे बात करें। पर क्या ये लड़कियाँ इन लड़कों को भाव देंगी? हाँ बिल्कुल, अगर आप बहुत बेसब्री से उनका इंतजार करते रहे। एमिलिया और कैरी बहुत खूबसूरत है। पर स्पेशल इफेक्ट्स के बिना भी लड़कियां खूबसूरत है। ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत लग रही है। उन्हें बस लड़कियों को बाहर ले जाने के लिए पूछना होगा। यह म्यूजिकल मैजिक हो रहा है। बिली आइलिश एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रही है। ये जरूर हिट होगी। प्रोफेशनल्स इस पर काम कर रहे हैं एक मास्टरपीस बनाने के लिए। क्या थॉमस सचमुच सेट पर आया? वो ये अफोर्ड कर सकता है, उसके पापा के कनेक्शंस बढ़िया हैं। और क्या वो एमिलिया को यहाँ बुलाने का मौका खोज सकता है? पहली डेट जादुई होनी चाहिए। वो यहाँ आकर बहुत खुश है, पर स्टार हैरान है। जाहिर है डायरेक्टर के पास इस कपल के लिए प्लान्स हैं। वो क्लिप के मेन कैरेक्टर्स बनने वाले हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एमिलिया बहुत खुश है। वो काफी लंबे समय से एक सुपरस्टार बनना चाहती थी, पर सिंगर उसकी सुंदरता को सामने नहीं आने दे रहा। ये सही नहीं है। रुक जाओ थॉमस, सब बदलवा दो। तुम्हें उसे दो बार बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी। ये पता चला कि स्टार्स के साथ कोऑपरेट करना इतना मुश्किल नहीं होता। आपके जेब में बस ढेर सारे पैसे होने चाहिए। एक सेकंड और एमिलिया एक स्टार में बदल गई। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, डांसिंग, अब ये सब उसके लिए है। केविन और कैरी आज एक अलग डेट पर जा रहे हैं। वो उसका इंतजार कर रहा है। वो एक खूबसूरत फूल भी लेकर आया है। असल में ये एक बुके है। और ये रही कैरी, केविन उसे लेकर पागल है। वो एक अच्छी लड़की है और सबसे जरूरी वो एनवायरनमेंट की देखभाल करती है, और इसलिए वो हर जगह साइकिल पर जाती है। हनी देखो, थॉमस ने अभी अभी क्या भेजा। क्या ये एमिलिया की वीडियो है? कैरी भी वीडियो में आना चाहती है। ये उसकी आंखों में आंसू पिला देता है, और केविन उसके सपनों को सच करेगा। हालांकि वो उसे एक असली म्यूजिक वीडियो नहीं दे पाएगा, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, पर वो आसानी से टिकटॉक के ट्रेंड दोहरा सकता है। चलो आसान वाले से शुरू करें। शो चैलेंज, तुम्हें बस निकर फेंकना है और अगले फ्रेम में अपने कपड़े बदलो। चलो कैरी, उप्स, इसने काम नहीं किया। स्नीकर से मार खाना एक बढ़िया डेट एक्टिविटी नहीं है। केविन तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गई थी। पर वो ठीक है, उसे CPR की भी जरूरत नहीं है जब तक कैरी यहाँ है। थॉमस इतना अमीर है कि उसके पास खुद का आइलैंड है, और मालदीव्स में नहीं पर उसके खुद के घर में। ये उसके लिए साधारण बात है, और वो चाहता है कि एमिलिया रेप के मजे ले। वो लगभग पहुँच गई। बटलर एंट्रेंस पर उससे मिलता है। वो उसका कोट उतारने में उसकी मदद करता है और उसे बीच का रास्ता बताता है। थॉमस पहले से एमिलिया का इंतजार कर रहा था, और हर एक मेहमान को फूल देने चाहिए। नहीं, वो ये नहीं पहनेगी, वो डायमंड्स प्रेफर करती है। पर ये जगह बहुत शानदार है, खासकर अगर आप म्यूजिक चला दो। पर एमिलिया बहुत नखरे वाली है। ये असली समुद्र नहीं है, उसे कुछ ज्यादा मजेदार चाहिए था। शायद एक कोकोनट कॉकटेल उसका दिल पिघला दे। बटलर के पास सब कुछ तैयार है। ये एमिलिया खुश है, और वो यहाँ एक या दो घंटे के लिए मजे करेगी। अगर आपके पास ओशन जाने के लिए पैसे ना हो, तो उसके बजाय आपको पार्क जाना चाहिए। केविन और कैरी ने यही किया। ये बहुत मजेदार है, इतना सारा प्यार। ओ नहीं, ऐसा लग रहा है कैरी की तबीयत खराब हो रही है। केविन उसके लिए कुछ करने वाला है। हनी देखो वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। और ये रहा केविन अपने नए रोल में, और जाहिर है वो कुछ करने वाला है।
उसने अपनी गर्लफ्रेंड का पोर्ट्रेट बनाने का फैसला किया। वो एक कमाल का कलाकार है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या बनाएगा। कैरी मास्टरपीस देखने का इंतजार नहीं कर पा रही। ये बहुत प्यारा है। प्यार में वो अंधी हो चुकी है। केविन ने कसली कलाकार की परछाई भी नहीं है। वो पक्का इस ड्रॉइंग को गैलरी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना? अमेलिया और थॉमस ने भी कुछ आर्ट देखने का फैसला किया। वो कंटेम्पररी आर्ट एग्जीबिशन के पास घूम रहे हैं। यहाँ का हर एक आर्ट वर्क सभी के लिए नहीं है और प्राइस टैग्स देखकर आप हद से ज्यादा डर सकते हैं। थॉमस अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए कुछ स्पेशल ढूंढ रहा है और गैलरी ओनर को उसकी मदद करके खुशी होगी। उसके पास ये शानदार जूते खासकर थॉमस के लिए है। बुरे नहीं है, बुरे नहीं है। थॉमस को आर्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। उसे ये मास्टरपीस लेना चाहिए। ये खूबसूरत है और सबसे जरूरी बहुत प्रैक्टिकल, फायदेमंद। यहाँ लिखा है कि इस एग्जीबिशन में स्ट्रिक्ट नो शू पॉलिसी है। आज कैरी उदास है। केविन के साथ उसकी डेट है पर उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वो क्या कर सकती है? जब आपको एक नई ड्रेस चाहिए पर आपके पास बिल्कुल पैसे ना हो तो आपको खुद से बनानी होगी। ये खूबसूरत पर्दे यहाँ किसी वजह से है। हाँ, आपको अपनी सिलाई मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। वाह, ये कमाल का आइडिया है। सिवाय इसके कि कैरी सिल नहीं सकती, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पर्दे से जूझते हुए कई घंटे हो गए पर मिला कुछ नहीं। तुम्हें एक्शन लेना होगा। पर्दा एक चेक प्रेस में बदल सकता है। तुम्हें बस अपनी बॉडी पर फैब्रिक लपेटना होगा, एक्सेसरीज, एक जैकेट और आप तैयार हैं। समय है केविन के पास जाने का। और वो एक मजेदार डेट की प्लानिंग कर रहा था, बाहर पिकनिक मनाना। हनी, तुम लाजवाब हो। कपल को बस आग जलाने की जरूरत है। कितना आरामदायक है। पर प्लान है आग के पास खाना खाना और यहाँ से उनकी परेशानी शुरू होती है। हॉट डॉग की खुशबू ने कुछ मेहमानों को न्योता दे दिया। सारी पर्सनल स्पेस खराब कर दी। ये दोनों सारे स्नैक्स खाने वाले हैं। पर केविन और कैरी को कोई दिक्कत नहीं। वो अच्छे इंसान हैं। वो अपनी फायर की गर्माहट और अपना खाना शेयर करने के लिए तैयार हैं। वो शहर के इकलौते लोग हैं जो बेघर लोगों की परवाह करते हैं। वो बहुत दयालु हैं। पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। अमेलिया की रोज की समस्या है। पर फिर भी उसने स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। उसने घर पर फैशन शो अरेंज किया, रियल मॉडल्स को इनवाइट किया और आउटफिट मशहूर डिजाइनर्स द्वारा बनी हुई है। ये अच्छा है पर फैब्रिक गलत है। जाहिर है थॉमस अमेलिया को क्लाउन आउटफिट में नहीं देख पाएगा। प्यारा पर बहुत बोल्ड। 50 फैशनेबल लुक्स के बाद अमेलिया की हिम्मत ने जवाब दे दिया, मैं सो नहीं रही। ये ठीक है, बढ़िया लुक है। मुझे लगता है मैं ये ले रही हूँ। अमेलिया ने डेट के लिए एकदम सही ड्रेस चुनी, एक ब्राइट आउटफिट जो इस चेक रेस्टोरेंट से बहुत मेल खाती है। अमेलिया संतुष्ट लग रही है। सब कुछ बहुत लग्जरियस है, ये उसके मतलब का है। और थॉमस बहुत खुश है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत, दयालु और अच्छी है। लेकिन क्या थॉमस उसे सिर्फ प्यार की नजरों से देख रहा है? क्या हो अगर सारी इल्यूजन हटा दी जाए? असलियत बहुत निर्दयी है। वो प्यारी खूबसूरत अमेलिया कहाँ है? उसके बजाय ये मॉन्स्टर है जो टेबल पर से सब साफ कर रहा है। ओह, ये मैनर्स। थॉमस को बहुत निराशा हो रही है। ओह हाँ, हालांकि अमेलिया जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकती है। वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, उसके जैसे लोग कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे फिर वो कितना भी बेकार करें। गरीब कपल्स भी एक डिसेंट मील अफोर्ड कर सकते हैं, हालांकि सिर्फ स्कूल कैफेटेरिया में। और उन्हें भूखे बच्चों का सिर्फ बचा कुचा खाना ही मिला। कैरी को उसका पसंदीदा बर्गर खिला रहा है। उसे बस इसे थोड़ा सा काटना होगा और वो खाना खाएगा जो पहले से किसी और ने खाया हुआ है। हाउ बेब, क्या ये सारा मेरे लिए? ये बहुत बढ़िया है। वो बहुत खूबसूरत है। क्या कैरी बर्गर पर हमला कर रही है? वाह, लगता है वो पिछले जन्म में मगरमच्छ थी। हाँ, इसका सामना करना बहुत मुश्किल है। ये असली जीवन है। पर केविन को डर नहीं लग रहा। उसकी फीलिंग्स, मैनर्स और टेबल एटिकेट से बहुत बढ़कर है और वो कैरी को ऐसे ही प्यार करता है। उसके चेहरे पर केचप और कपड़ों पर क्रम्स थोड़ा ज्यादा हो गया। वो मेरी एपेक्स प्रेडेटर है। ये असली प्यार है।
क्या आपको गरीब और अमीर कपल्स के बारे में हमारे स्केचेस पसंद आए तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सा कपल ज्यादा खुश है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं, ट्रूम ट्रूम पर अलग अलग कपल्स के बारे में वीडियोस मिस ना करें।